दोस्तों वेलकम बैक। तो इस वक्त मैं ईडन गार्डन से ठीक रानी विक्टोरिया मेमोरियल आया हूँ। ये मेरे सामने के व्यू देखिए। ठीक दोस्तों, ये गेट के पास हूँ, ये रहा रानी विक्टोरिया मेमोरियल। तो फिलहाल तो इस वक्त धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अब हम लोग को टिकट लाने जा रहे हैं, टिकट वहाँ से कटाने के बाद सीधा एंट्री करते हैं। ये 50 रुपये पर पर्सन, वेरी गुड। तो गाइस हमने टिकट ले लिया, दो इंडियन के लिए 50-50 है, बाकी सबके लिए 100 है, 500 रुपये फॉरेन वाले के लिए है, और हमारे जो सार कंट्री जो है वो सबका लिए 100 रुपये। तो ये कुछ है हमारा टूरिस्ट सबके लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग को इन करते हैं गेट से। तो यहाँ पर अपना बैग फेंक दिए और यहाँ से सीधा चले। लॉकर रूम में रखने के बाद हम लोग को सीधा आ गए क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं नज़ारा विक्टोरिया मेमोरियल। ये देखिए हमारे चारों तरफ की नज़ारा दोस्तों। अगर राजधानी थी तो यहीं से पूरा हमारा हिंदुस्तान चलती थी, जो अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए। बाकी तो आप लोग जानते होंगे, नेट में सर्च कर लेना। तो इस वक्त हम लोग रानी विक्टोरिया अंदर हैं और ये देखिए इसका इतिहास, यहाँ मस्त सजाया हुआ है, सारा कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये दोस्तों हमारा इतिहास के बारे, विक्टोरिया जैसे बन रही। इस पहला म्यूजियम का पहला जैकेट सरवानी टाइप की, ये 1814 से 1859 हॉर्सेस द इंडियन रेलेवेंट 1857 ऑक्टन रेफेयर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है दोस्तों उस जैकेट, तो वो वेपन है जो पहला विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए इसका डिटेल्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। वाह, जॉर्ज लेवल कलेक्शन, 3 सेंचुरी की बोट इस टाइप की रहती थी। ये देखिए 1785 के पियानो इस टाइप की होती थी। ये रहा, ये दोस्तों 1787 में इस तरह का यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। देखिए ये दोस्तों उस टाइम का औजार सब है। देखिए यहाँ पर पूरा उसके बारे डिटेल्स बताया गया है, ऐसा ऐसा हथियार सब चलते थे उस अंग्रेज के दौर पे। अरे ये कुछ वेपन सब है, देखिए उस टाइम के वेपन्स ऐसे दिखते थे। ओ भाई, ओ दोस्तों वेपन सब इतनी लंबी लंबी, अरे यार ब्रिटिश भयानक इस्तेमाल किया है, बट जो भी हो कॉपी तो इंडियन से किए हैं। बाप रे बाप, आयरन गन, वुडन गन, अरे औजार सब लड़ने के लिए जो हमारे राजा महाराजा लोग करते थे। 222 सीढ़ी, वाह
क्या नाम सब दिया गया है, सभी आयरन के हैं। सीताब लोहा, बाप रे बाप। तो अब चलते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिले। खतरा हथियार है। ये सब उस टाइम की किताबें। बर्गर ट्रियो। तो अभी तक का म्यूज़ियम आपने देखा, पूरा इतिहास हिंदुस्तान का भी और बंगाल का इतिहास के बारे, यहाँ सारा तस्वीर, सारा हथियार वेपन के साथ पूरा अच्छा से बताया गया है। आप लोग भी आए तो इसका इतिहास ये म्यूज़ियम में आए और इतिहास जाने, बहुत ही नॉलेजेबल ये सफ़र रहा ये हमारा विक्टोरिया मेमोरियल्स की। तो फिलहाल अभी इसके बाद देखते हैं और क्या देखने को मिलती है, दिखाते हैं, वरना यहाँ से सीधा चलते हैं बाहर गार्डन तरफ घूमते हैं और उसके बाद सीधा आगे के सफ़र में बताता हूँ। जो थिएटर स्टोरी, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्रीडम फाइटर के बारे पूरा बता रहा है। वाह, पहली बार रियल इंडियन फाइटर के नज़ारे यहाँ देखने को मिल रही है, बहुत ही सुंदर अद्भुत। सुखदेव आजाद, अरे वाह, रियल फ्रीडम ऑफ फाइटर। ये दोस्तों हाल ही फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये कुछ नया यहाँ पर थिएटर के जरिए और कुछ हमारे बंगाल के फ्रीडम फाइटर के नए नए कुछ सबूत इकट्ठा करके यहाँ पर रखे गए हैं। ये पूरा म्यूज़ियम में है, देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर के और भी नया नया तस्वीरें। दोस्तों यहाँ पर छुपे हुए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो कहीं ना कहीं इतिहास दबा दिए थे, उसी सब्जेक्ट को इस विक्टोरिया मेमोरियल में एक दर्जा दिया गया है और इतिहास के बारे हर कोई जाने। तो देखिए ये हमारे जितने भी मेन थे जो कि अभी तक लुप्त थे, वो अब यहाँ पर उनका ठीक म्यूज़ियम में उसके तस्वीर और उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे सारा कुछ यहाँ पर बताई रखी है और उसका सबूत के साथ। ये सारा उन लोगों का सबूत है दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं से उनके इतिहास लाइब्रेरियन म्यूज़ियम से मिली और यहाँ पर बैठाया गया है, उनके बारे पूरा डिटेल्स लिखा गया है। तो एक बहुत ही अच्छा एक हमारा फ्रीडम फाइटर को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर म्यूज़ियम बनाई गई है। हमारे पीएम को थैंक्स कहना चाहूँगा कि अब सच्चे फ्रीडम फाइटर रियल में दिखे, जो हमारे रस बिहारी बोस हो, रविंद्रनाथ सत्यपाल हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो और भी ढेर सारी हमारे फ्रीडम फाइटर। अच्छा लगा देख दोस्तों हमारा उस समय की तिरंगा और उसके बाद
वो पसंद ना आए तो इस टाइप की तिरंगा। ये सबका इतिहास थी और लास्ट में ये चरखा वाले तिरंगा। उसके बाद दिल्ली, तो फाइनली विक्टोरिया मेमोरियल्स हमने देख लिया अंदर से और ये रहा बाहर से, और ये चारों तरफ गार्डन है ना, बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सी गार्डन और साथ में सुंदर सी हिस्टोरिकल विक्टोरिया मेमोरियल्स। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और धूप तो बहुत भयानक है भाई, हालत ख़राब हो जा रही है बार बार पानी पी पी के। और अंदर में बहुत कुछ अपडेट हुई है जैसे कि आप लोगों ने, मैंने दिखाया मेरे वीडियो के माध्यम से। तो यही रहा कोलकाता द वेस्ट बंगाल, ठीक विक्टोरिया मेमोरियल्स जो कि ईडन गार्डन से करीब 2 किलोमीटर है। तो ये आज का सफ़र हमारा टूर यहाँ का कंप्लीट। ये वीडियो में बने रहिए और कैसा लगा हो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। जय बांग्ला, जय कोलकाता, जय सियाराम।